गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि ऐश हमारे सामने खड़ा है और ये है मेरी पोकेमॉन टीम। तो इस टीम से हम ऐश से बैटल करने वाले हैं। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। हेलो, हाँ मैं ट्रेनर हूँ। हाँ मैंने अभी भी जर्नी स्टार्ट किया है। तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं क्या करूँ। तुम्हारा नाम ऐश है, तुमसे पहले मैं जानता हूँ। हाँ मुझे प्रोफेसर रोक ने दिया है, तुम्हारी तरह नहीं जो लेट उठाओ। मैं ऐश के साथ बैटल रियोलो फाइटिंग टाइप एम्पर से थोड़ा उसका डिफेंस कम कर देते हैं। टेल वी पी करूँगा मैं एम्पर से तो। अरे मार डालेगा ही तो। चेंज कर देता हूँ मैं स्क्वॉर्पियो। रुकीडी से रहेगी, फाइटिंग टाइप है ना ये सामने वाला। रुकीडी के पास पैक है ना आई थिंक। हाँ हाँ पैक करनी है मेरे को रुकीडी पैक। क्या भाई डिफेंस कम कर जाते, एकदम कड़क शॉट लगे। अरे मार डाला रे, ऊपर से उसको भी बैरियर पकड़ाई थी। स्कॉर्पियो में ही चेंज करता हूँ मैं, मुझे लगता नहीं मैं जीत पाऊंगा। क्विक अटैक कर जल्दी। हाँ तो गया, एम्पर फाइव में हो गया। नजल सीख गया, नजल इलेक्ट्रिक टाइप है ना। हाँ पैरालाइज करती आई थिंक। फरफेच, अरे यार इसके सामने रुकीडी होती तो अच्छा रहता। नहीं ये तो नॉर्मल टाइप है ना, या फिर फाइटिंग है। नहीं फाइटिंग है। एम्बर एम्बर आश मर गया ये भी, लेकिन मेरे स्कोर बनने के लेवल कम हो गए, एचपी कम हो गई। मैं बदलता हूँ एम्बर में। ट्यूटर कुछ काम का ही नहीं है ऐश के सामने तो। पिकाचू के पास पोपी है, दो तो टोपी ऐश के पास कहाँ से आ गई, उसके पास तो एक ही थी ना। एम्पर भी गया, जाओ स्कॉर्पियो। एम्बर इतना कम स्टॉट दे रही है, मुझे लगा आधा तो कम कर ही देगा। लेवल 10 का हूँ मैं इसके लिए। अरे यार कंफ्यूज भी कर दिया, मुझे एक दूसरा भी चांस नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा। जरा सा चांस नहीं है। अरे यार तगड़ी वाले बैंड बजा रहा है। अब बस दो अटैक लगने चाहिए फिर मर जाएगा। शिट यार मार दिया। ट्यूटल तो क्या कुछ कर पाए इसके सामने, एक मूव में चला जाएगा ये तो। ये लो गया तो ऐश के सामने भी मैं हार गया। शिट यार दो बार गैरी से हारा, एक बार ऐश से हारा। इन लोग को चाहिए क्या मेरे से। तो गाइस ऑलरेडी इतनी टाइम पास हो चुकी है बैटल में, तो मैं बैटल की क्लिप नहीं दिखाऊंगा, बस स्टार्टिंग में यहाँ पे जाऊंगा और एंडिंग का दिखा दूंगा, क्योंकि क्या पता और बार हार सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। नहीं पहले ऑरन मेरी दे देता हूँ सबको, जो भी मेरे टीम में उनको सबको मैं ऑरन बरी पकड़ा के फिर स्टॉप करूँगा आपके लिए। मैं खेलूँगा ऑलरेडी। तू भी पकड़ भाई, इसीलिए मैंने ऑरेंज मेरी खरीदी थी। तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ और डेंटना है, हमने ऐश को हरा दिया। स्कोर बनी 11 का हो गया। गुड गुड, तू तो गुड ही बोलेगा ना।
हाँ मैंने सही पोकेमोन चूज किया है, एक्सपी शेयर, यही तो मुझे चाहिए था और तूने दे दिया। चलो अच्छा है, तो मेरी पोकेमोन यम्पर 6 का हो गया। अरे भाई अच्छा है, तो मैं हील करके आ गया। क्या खोटा टाइम पास नहीं करने का, रूकी डी 6 की है, चीटल 6 का और स्कोर बनी 11 का है। तो फिर चलो आगे बढ़ते। अब ये तो इसकी भी मैं पूरी बैटल क्लिप नहीं दिखाऊंगा, खाली आप देख लो इसके पास है मार पैको, तो इसे अब कैसे हराना है, चुटकी बजा के हरा दिया। ऐसे ही बहुत मुश्किल हुआ इसको हराना ऐसे, लेकिन ये एम्परेट का हो गया। और ऐसे एक बैटल में हार के एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ, मेरे पोकेमोन की लेवल तो बढ़ गई, नहीं तो मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ती। एक्सपी शेयर में ऑन कर देता हूँ। चलो बटरफ्लाई उड़ी नहीं रही है, बस एक ही जगह पर चिपके हुई है। अरे फिर से सिर दर्द आ गया, रैटाटा। अबे इतु सा है और मुझे भागने नहीं दे रहा ये, लेकिन सेम ही लेवल है ना, क्या करूँ। इसके भी मैं पूरी बैटल क्लिप नहीं दिखाने वाला, जो मेन मेन बैटल होंगे वही पूरी दिखाऊंगा। अब ये अलोला ना रैटाटा आ गया, तो फिर स्टॉप करता हूँ और चुटकी बजा के हरा दिया। हार गया ये भी। चलो आगे बढ़े। मुझे ऐसा क्यों लगा कि एक्सपी शेयर बंद है, नहीं चालू था, मुझे ऐसा लगा कि नहीं बंद है। चालू कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं विरिडियन फॉरेस्ट की तरफ। रैटाटा में भी स्मॉल, हाँ वो छोटे ही है। मैं विरिडियन सिटी जा रहा हूँ, नेशनल मैच है। तू कौन है भाई, मेरे सारे फ्रेंड बग करने में और बैठने में लग गए, तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है। पल आई वॉज डूइंग बुक वर्ल्ड कैच बुक, हाँ हमारे लेकिन हमारे में भी रन नहीं करते, बस सफारी जोन में ही रन करते हैं, या फिर कोई और होगा जो रन करते हैं, मतलब ज़्यादातर रन नहीं करते पोकेमोन। तो गाइस मैं अपने चैनल पे पिक्सल मोन की भी सीरीज शुरू करने वाला हूँ, तो इसके बाद से पिक्सल मोन के भी वीडियो आते रहेंगे। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, और मैं और भी GBA गेम्स के वीडियो अपलोड करते रहना हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये ब्रैंडन और हम टीम अप करके बैटल करेंगे एक बार मैगमा के ग्रंट से। चलो ब्रैंडन के पास जोर हुआ रहता है ना, वो पता नहीं किसी का भी वो ले लेता है, इल्यूजन करते पता ही नहीं चलता। वैसे ट्रिको भी है इसके पास, बैक तो परफेक्ट ही नहीं है, पावर ट्रिक पे ट्राई करता हूँ मैं, नहीं तो यम्पर में चेंज कर दूंगा। यम्पर कारबाना को तो कम से कम हरा देगा। कारवाना का जो इवोल्यूशन है शार्पेड हो, उसको मेकर इवोल्यूशन दे दिए वे, और जो कोई अच्छे अच्छे पोकेमोन है उनको दिया ही नहीं, क्या सीन है। अब यहाँ पर जल्दी से नजर करता हूँ, कारवाना तो अब तक अगर आपको पता नहीं है कि इस गेम को कैसे डाउनलोड करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और बाकी के पार्ट्स भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं,
तो वहां से जाके देख सकते हो। चलो गया, अब नमन है बस। नमल का एवोल्यूशन कैमरा पट है, हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। और उसका भी मेगा एवोल्यूशन है आई थिंक सो। स्कॉर्पियन ने डबल किक सीख गया, ब्रॉक की जिम के लिए दो। अबे कब से मुझे लगा ये ट्रिको है। वाह जोर हुआ, एकदम फुल डिट्टो कॉपी करता है तू, चौंका दिया मेरे को फिर से। लेकिन मुझे पता है था इसके पास जोर हुआ इल्यूशन करता है। ब्रैड्स ब्रैंडन डायनामैक्स बैंड, अब हम भी करेंगे डायनामैक्स टाइगेंटामैक्स बाय। तो गाइस हमारी पोकेमोन टीम है, ये देख सकते हो रुकीडी 8 की एम्पर 9 का ट्यूटल 6 का है आई थिंक। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।